मऊ रानीपुर में निकाय चुनाव के पूर्व वोटर सूची से वार्ड नंबर 19 में 175 नाम हटाने की शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई। मऊ रानीपुर उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के पूर्व वोटर सूची तैयार की जा रही है, जिसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए भी जा रहे हैं जो लोग कहीं बाहर रहने लगे हैं या मृत हो चुके हैं। तो वहीं आज वार्ड नंबर 19 मऊ रानीपुर नगर पालिका क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा उप जिलाधिकारी को वार्ड में से 175 नाम काटे जाने की शिकायत से अवगत कराया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 19 गांधीगंज मऊ रानीपुर में रहने वाले धीरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र मंगल ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि वार्ड में से करीब 175 लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जो कि एक लंबे समय से वोट डालते हुए आ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी ने बीएलओ के समक्ष लोगों की समस्या को सुना, साथ ही मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया गया। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही, साथ ही निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए जाने का आश्वासन शिकायतकर्ता को दिया गया। कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या लेके आए आज? अरे हमारे वोट कट गए पूरे। कितने वोट कट गए लगभग? हमारे घर में वही 7 वोट है। आपके घर में और भी कटे होंगे कि आप ही कटे? पूरे घर के कट गए। तो आपके घर के मोहल्ला के भी कटे? मोहल्ला के भी, हमारे घर कितने लोग वोट लगभग? 100-150 वोट कट गए। 100-150 वोट कट गए। आज आप कहाँ पर आए? आज हम तहसील में आए, SDM साहब के पास। क्या आश्वासन मिला उनका? वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, जो भी होगा मोहल्ले में जांच करवाएंगे। तो इसमें किसकी गलती मानी जा रही है? देखिए क्या बताना है, किसकी गलती है? तो किसकी गलती आपको जानकारी नहीं? सर्वे में कुछ हुई नहीं, अभी कोई ना बीएलओ नहीं आया आपके मोहल्ले में, कोई आया बस सीधे वोट काट दिए गए। कितने दिन से वोट डाल रहे हैं आप लोग? हम लोग 20 साल से वोट डाल रहे हैं पिताजी, वगैरह आपके शुरू से डालते चले आ रहे हैं जी, हम फिर भी नाम कट गए। क्या नाम है आपका? काजू है सर। कहाँ के निवासी हो? मऊ रानीपुर। कौन सी मोहल्ला? गांधीगंज। वार्ड नंबर 19। क्या समस्या लेके आया आज SDM साहब के यहाँ? सर ऐसा हुआ, मैं करीबन 5 साल से वोट डाल रहा हूँ जी, फिर भी वोट काट दिया गया, मेरा नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट में से, दोनों जनों का, मियाँ बीवी का, और मेरे मोहल्ले से करीबन 200 व्यक्तियों के नाम कट गए। 200? हाँ। तो वो भी इन लोगों के नाम कटे हैं जो 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से वोट डाल रहे हैं, उन लोगों के नाम काट दिए। उन लोगों के नाम काट दिए? उन लोगों आप क्या चाहते हैं? उनके नाम जुड़ाया जाए सर, हम लोग जब वोट डालते हैं कहाँ जाएंगे, कोई काम पड़ेगा वो कैसे काम होगा? किसकी गलती मानी जा रही है इसमें? किसकी गलती मानी जा रही है? ये गलती मानी जा रही है, कोई हमारे यहाँ सर्वे करने नहीं गया है और फिर भी नाम काट दिए गए हैं, तो किसी ने कटवाए हैं ये नाम, उसकी भी गलती है। अच्छा, किसने कटवाए हैं इसकी भी जांच की जाए कि किसने नाम कटवाए हैं, किस कारण हम लोगों के नाम कटे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप ये, हम लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वोट डालेंगे, जो वोट डालते थे वोट डालेंगे हम लोग, क्यों हटवाया गया है? जो फर्जी है वो हटा दिए जाए, हम लोग तो फर्जी है नहीं, हम लोगों के यहाँ जाँच की जाए, आधार कार्ड दे के जाए, मकान दे के जाए, हम लोगों को मतलब जांच किए करके यही चाहिए कि हम लोग वोट डालें, चुनाव आ जाए निष्पक्ष जांच। दिलीप भगैया, क्या समस्या लेके आए सर जी? गांधीगंज के वार्ड नंबर 19 के कुछ व्यक्ति इस समस्या को लेकर आए हुए हैं कि उनका नाम काटा जा रहा है जी सर, इस संबंध में उनको अवगत कराया गया था कि नाम उनके काटे जा रहे हैं, तो वो मेरे पास आए हुए उनको बीएलओ के समक्ष बैठा के किसका नाम क्यों काटा जा रहा है जी सर अवगत कराया गया, उनके समक्ष सूचियाँ पड़ी गई एक बार और उन्होंने जाँच की मांग की हुई है, और जाँच करा के उसको और संशोधित करा गया। मऊ रानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।